आपके विचार आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो बनते हैं वो हमारी सोच का नतीजा होता है। हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि ये हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, हमारी जिंदगी को संवार सकती है और हमारी जिंदगी को नष्ट भी कर सकती है। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा है, क्या हमारे विचार, खुद के थॉट्स, हमारे अंदर की मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो आज की इस वीडियो में उसी का जवाब हम याद देने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने विचारों का दास है। दोस्तों, आपके विचार इस ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखती है। क्या आप खुद से बातें करते हैं या पूरे दिन में खुद के लिए ऐसा वक्त निकालते हैं जिसमें आप अपने विचारों पर गौर कर सके? आपके दिमाग में जैसे विचार चलते हैं आप खुद को वैसे ही ढालने लग जाते हैं। हमें अपने थॉट्स पर गौर करना होगा। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं और इन थॉट्स का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माइंड में चल रहे थॉट्स के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल रहे उस पर गौर करते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भरा रहता था। मैं बात बात पर चिढ़ जाया करता था, लेकिन जब से मैंने खुद से बातें करना सीखा है, चाहे अपने कमजोरियों को लेकर या अपनी खूबियों को लेकर, तब से मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस पाए हैं। मैं अकेले में खुद से बात करता हूँ, मैं शीशे के सामने जाकर खुद से बात करता हूँ, अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन्हीं विचारों के कारण मैं खुद को वो बना पाता हूँ जो मैं एक्चुअल में हूँ। मतलब हम सचमुच वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार हमें ताकत देते हैं। जब आप दूसरे के विचार पढ़ते हैं जो लोग सफल हैं, तब आप खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं। तब आप सोचिए कि आपके खुद के विचार कितने पावरफुल हो सकते हैं। दूसरे की सक्सेसफुल स्टोरी को सुनकर पढ़कर खुद को कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हो, तो एक बार सोच कर देखो जो खुद का थॉट्स है उनसे आप कितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर सकते हो, कितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी खुद के अंदर ला सकते हो। हमारे विचार हमें ताकत देते हैं। दूसरे के विचार आपके थोड़े समय तक के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपके खुद के जो विचार है आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपको मोटिवेशन देगी, प्रेरित करेगी। हर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो जिसके लिए आप सपना देखते हो। कभी भी ऐसे शब्दों का चुनाव मत कीजिएगा जो आपको कमज़ोर बनाए। उसके लिए आपको जो भी चाहिए, जो भी कुछ करना है उसके लिए सक्सेसफुल लोगों का रिलेटेड वीडियो देखिए, जैसे कि मैनिफेस्टेशन रिलेटेड जो भी पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव चीज़ है वो करो, अफर्मेशन बातें करो, खुद से बात करो, शीशे के सामने दाड़ो, आईने के सामने दाड़ो, उसके बाद खुद से बोलो कि मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, कुछ इस तरीके का बातें किया करो, खुद से पॉजिटिव बातें किया करो, पॉजिटिव सोचने लगो। और हम भी वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे हम उस वीडियो में देखते हैं, राइट? यानी कि अगर आपने देखे होंगे कि कोई इंसान एक महीने के अंदर एक बाइक ले ली किस तरीके से, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी एक महीने के अंदर एक बाइक लेंगे, तब तक तो हमारा मोटिवेशनल लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रह जाता है, राइट? अगर सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हम हमारे विचार जो है ये हमारे अंदर से उत्साह पैदा करती है। यदि कुछ अच्छा देखने, पढ़ने या सुनने के बाद भी हमें उस अपने विचारों में शामिल नहीं करेंगे, तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं और उन विचारों पर एक्शन नहीं लेंगे, तो आपने जो कुछ भी देखा, सुना या पढ़ा वो सब बेकार है। तो इसका मतलब यही है कि आप जो कुछ भी दिन भर वीडियो में देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोस या फिर मैनिफेस्टेशन वीडियोस या फिर एफर्मेशन या फिर जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ते हो, वो तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप अपने अंदर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। आपके विचार जो भी है जो आपको सफलता दिला सकते हैं और वही आपको असफल भी कर सकती है, इसीलिए अपने विचार पर गौर करें। आप कैसे सोचते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे इंसान बनेंगे। आपके विचार आपको उत्साहित भी कर सकती है और निरुत्साहित भी कर सकती है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को समझने का प्रोसेस कीजिए, यानी कि प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों माइंड है, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड में हम जो भी रेगुलरली काम करते हैं वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब हम सोते रहते हैं तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है।
और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें एक बार बैठ जाता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए जो भी आप सोचते हो, जो भी आपका विचार है, वो हमेशा पॉजिटिव थॉट पर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये सोचना है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गरीब को पकड़ लेगा कि ये इंसान गरीब है, तो आप उस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट को ही लाना होगा, मैं अमीर हूँ। गरीब का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, गरीब एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव विचार है, इसे आपको दिमाग से एकदम से बाहर निकाल देना है। सिर्फ आपको पॉजिटिव जो अमीर वाला वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसी को पकड़ कर आपको विचारधारा को चेंज करते जाना है। जैसे कि आपका हेल्थ से जुड़े कोई भी वर्ड, जैसे कि मैं बीमार हूँ, बीमारी से मैं अपने आप को स्वस्थ करना चाहता हूँ। आपको जो बीमारी वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, इसे आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है कि मैं एकदम से एक स्वस्थ इंसान हूँ। कुछ इस तरीके से जो भी सक्सेसफुल यानी कि जो भी पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव थॉट्स है, उसे आपको अपने जीवन के अंदर, आपके ज़िंदगी के अंदर, आपके सोच के अंदर बैठाना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में जो भी थॉट्स है उस पे काम करके अपने जीवन को सुधार पाओगे, जो भी चीज़ अचीव कर सकते हो, करना चाहते हो, उसे अचीव कर पाओगे। बस आपको अपने थॉट्स पर गौर करने की ज़रूरत है और आप भी एक दिन इसी के बदौलत बड़े से बड़ा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। मान लीजिए आपने पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप एक नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीज़ों को होने की है। इसके पीछे विचार ये है कि आप जिसके बारे में सोच रही है वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रही है, नई पर नहीं। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में अपने मन में बजाय ये सोचने की मुझे आशा है कि मैं इस सेमिस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं इस सेमिस्टर में अच्छा ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने लाइफ में पॉजिटिव टर्म्स का यूज़ करिए। इसका मतलब अपनी जो भी इच्छा है उसे कहने के लिए नहीं का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव विचार है, जो कि मैं आपको पहले में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नेगेटिव जो टर्म्स है, इससे एकदम से डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये गलत चीज़ों को आकर्षित करने से एकदम से 100% काम करता है। तो गलत चीज़ों को आपके लाइफ में अटैक नहीं करना है, हमें एकदम से पॉजिटिव चीज़ों को अटैक करना है। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता, ये जो हारना शब्द है वो नेगेटिव वर्ड है, तो आपको इसके बजाय आपको ये यूज़ करना है कि मैं जीतना चाहता हूँ। तो जितना बार आप इसे यूज़ करोगे, मैं जीतना चाहता हूँ, तो एक ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो जितना वर्ड है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है वो मैच होता है और ब्रह्मांड को लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ें ही चाहता है। तो आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चाहता है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को ही पकड़ता है, ना कि उसके पीछे इरादों का। इसका मतलब है उधार नहीं का, इसका मतलब उधार ही पकड़ेगा, चाहे वो आप उधार एकदम से चुकाना चाहते हो या फिर उधार लेना चाहते हो, उधार का मतलब उधार ही वो पकड़ेगा। तो इसके लिए सोच समझ कर ही आप अपने विचारों को एकदम से सोचिए, उसके बाद अपना जो टर्म्स है उसे सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। आप जो भी सोच सपने देखते हो उसे अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखिए, अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, या अपनी नए कार में बैठ रहे हैं, अपने इरादों को सुदृढ़ करने की और उनको रियलिटी में एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए, विजुलाइज करिए।
जो भी आप सपना देखते हो उसको विजुलाइज करिए और उसका आनंद लीजिए, महसूस कीजिए उसको, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो महसूस का, फीलिंग्स का दास है। जब उसको एक बार उसका जो फीलिंग्स है उसका एक बार उसे पता चल जाता है कि कितना आनंद है इसमें, तो वो आपके लाइफ में उसे बहुत जल्दी आपको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए अपने विचारों पर फोकस ज़रूर कीजिए। जो आप सोचेंगे वही आप बनोगे। और इस वीडियो का जो मेन और लास्ट पॉइंट है, आभार रहना। आपके पास जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से आपका जीवन और ज़्यादा अच्छा होना लगता है, जिससे आपकी जो पॉजिटिव माइंडसेट का समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभार होने से आपके अपना जीवन बेहतर होना लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन चीज़ों से ज़ोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनमें लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद तीन ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हो। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने के मदद मिलेगा। दोस्तों, मैंने जो भी स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल की है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना सही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका हेल्प हो सके। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके का जानकारी मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री राम।